आओ, ये क्या है? गाजर, है ना? आप यहाँ पर देख चुके हैं गाजर, यहाँ लिखना है। अक्षरों को आप याद करके लिखना, सही अक्षर लिखना है। ये क्या है? छाता है, वो लिखे है। ये क्या है? बाजा। क्या है बच्चों? बाजा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा, है ना? एक तो पूरा हो गया। अब क्या करना है? ई ई बड़ी ई की मात्रा। पहली कक्षा में तो पिछले कक्षा में छोटी ई की मात्रा के बारे में जानकारी पा चुके हैं। बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द है, देख सकते हैं पुस्तक में। देखो बच्चों, ई ई ई ई पा के लिए बड़ी ई की मात्रा रखने से क्या होता है? पा के लिए बड़ी ई की मात्रा घटने से पी, है ना? पी करी, पी और न, क्या हो गया? सॉरी, पी और क्या हो गया? पी। ये सही है शब्द, गलत है। इसके आगे और एक मात्रा घटना है, आ की मात्रा। तब क्या हो बच्चा? अब क्या हो गया? पी ना। ये कौन सा मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा आई। आप किसके बारे में जानकारी दे रही हूँ? मैंने बड़ी ई की मात्रा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। बड़ी ई की मात्रा में आने वाला कुछ शब्द है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। देखिए बच्चों, पीना, पीला, वैसे ही सी टी, सी पी, है ना? पीपल, पीपल, वैसे ही पीला, पीला हो गया ना? यस। देखो बच्चों, अनेक शब्द आते हैं पुस्तक में, इतना ही दिए हैं। पढ़ते पढ़ते आपको और भी एक शब्द आते हैं। ये कविता मैं पढ़ती हूँ। देखो पहले पी, पा के लिए बड़ी की मात्रा डालने से पी हो गया, ना के लिए बड़ी की मात्रा डालने से ना हो गया, पीना, पीला, सीटी, सीटी, पीपल, है बच्चों? सब देखना है। बड़ी की मात्रा के लिए एक पाठ है, आपको देखे देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तो बड़ी की मात्रा के लिए एक पाठ दिए हैं, मैं पढ़ती हूँ। देखो, विशाल इधर छोटी की, सॉरी छोटी की मात्रा के लिए कविता है। विशाल इधर टिकट दिखा, वह रहा विमान इतना बड़ा। विशाल इधर उधर ना जा, अब विमान पर चढ़, विमान चल पड़ा, अब वहां उड़ गया। देखो बच्चों, चोटी की मात्रा के लिए विमान उड़ा। आज से आपको समझा रहे हैं कि कैसे मात्रा के शब्द आते हैं, चोटी की मात्रा के शब्द कैसे आते हैं। देखिए, विशाल इधर आ, वह के लिए चोटी की मात्रा डालने से बी हो गया, शब्द एक लड़का का नाम है विशाल, है ना? वो चोटी की मात्रा के बदले आप बड़ी की मात्रा डालने से क्या होता है? विशाल। ये तो गलत होता है ना, है ना? तो इसलिए मात्रा सही तरफ से आपको डालना है। विशाल इधर आ, टिकट दिखा, वह रहा विमान इतना बड़ा। विशाल इधर उधर ना जा, अब विमान पर चढ़। चढ़ का मतलब क्या है? झारा, है ना? क्लाइंब कहते हैं ना उसे। विमान चल पड़ा, अब वहां उड़ गया। So, यहाँ पर लाल रंग का है ना, वो सब क्या है? छोटी ई की मात्रा है। आप पढ़ने के समय मात्रा के साथ पढ़ना है। ये तो छोटी ई की मात्रा के लिए ये पांच है। उसमें अभ्यास के आए हैं। देखिए, ये क्या है? गिलास। ये क्या है? क्या है बच्चों? हाथी या चित्र, है ना? चित्र है। ये क्या है? हिरण। वैसे ही किताब। ये क्या है? पत्र नहीं है, किताब, चिट्ठी, चिट्ठी, मिठाई, चित्र को उसके नाम से जोड़ो। ये क्या है? विमान, है ना? ये क्या है? सितार, सितार यहाँ पर है। ये क्या है? चिड़िया, खर या पक्षी।
चिड़िया, एक चित्र को देखकर शब्दों के सही शब्दों से आपको आप मैच करना है। ये सब छोटी इक की मात्रा के लिए हो गया। अब देखना है कि बड़ी इक की मात्रा में एक पाठ है, ठीक है बच्चों। तीसरा पाठ है बड़ी इक की मात्रा के लिए। बड़ी इक की मात्रा कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चों। बड़ी इक की मात्रा का अभ्यास। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, आज की चिड़ी बना, चिड़ा राज का चावल ला, दाल ला। चिड़ा चावल लाया, दाल लाया, पानी लाया, चिड़िया लकड़ी लाई, पति ने आकर रखी। खिचड़ी बन गई, चिड़ा राजा आकर खिचड़ी खा, आज चिड़िया रानी आ मिलकर खिचड़ी खा। कितने सुंदर है ना बच्चों, आपको पसंद होते हैं क्योंकि एनिमल कार्टून आपको पसंद होते हैं ना, ऐसे ही एक पार्ट आपको दिए हैं। आप कैसे पसंद करते हैं वैसे ही यहाँ पर पार्ट है। चिड़िया और क्या है, खिचड़ी, दाल, चावल, चिड़िया रानी, चिड़ क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं, मेल बर्ड होते हैं, चिड़िया क्या होती है, फीमेल बर्ड, है ना बच्चों। सो चिड़ का मतलब मेल बर्ड, चिड़िया का मतलब फीमेल बर्ड। लिंग बदलिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, आज खिचड़ी बना, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, रानी बड़ी की मात्रा लाल रंग का है ना, गुलाब या लाल रंग का मात्रा है ना, वो तो बड़ी की मात्रा है। वो मात्रा वाले शब्द में आप जानकर सॉरी ध्यान देना चाहिए। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, यहाँ पर चिड़ी क्या है, छोटी की मात्रा है, वहां पर आप बड़ी की मात्रा लगाने से गलत होते हैं। कहाँ कहाँ पर कैसे मात्रा लगाना है उसके बारे में आप जानकारी पाना ही है। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, आज खिचड़ी बना, चिड़ राजा चावल ला दाल ला। चिड़ राजा बोलता है चिड़िया रानी को, अपनी पत्नी को, चिड़िया रानी आज खिचड़ी बना। तब चिड़िया रानी क्या करती है, चिड़ राजा उसके लिए कुछ चीज जरूरत होती है ना, इसलिए चावल और दाल ला। खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दाल चाहिए और चावल चाहिए, वो दोनों को लाओ मैं खिचड़ी बनाती हूँ, ऐसे चिड़िया रानी बोलती है। चिड़ा चावल लाया, दाल लाया, पानी लाया, चिड़िया लकड़ी लाई, पति ने आग पर रखी। खिचड़ी बनाने के लिए पहले दाल चावल चाहिए, दाल चावल से खिचड़ी बन सकते है, नहीं है, उसके लिए क्या होना है, आग तो जरूर होता है ना, इसलिए देखो चिड़ चावल आया, दाल आया, पानी भी लाया। चावल, दाल और पानी, वो तीनों की जरूरत होती है, वो तीनों को पकाने के लिए क्या चाहिए, आग। आग का मतलब क्या है, फायर, आग चाहिए ना। सो आग के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। लकड़ी का मतलब क्या है, स्टिक्स, स्टिक्स है ना। सो क्या है, उड़न पीस, उड़न पीस है ना, वो चाहिए आग के लिए, वो पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए आग चाहिए। वो आग के लिए चिड़िया क्या लाई, लकड़ी लाई, पति ने आग पर रखी। वो सब चीजों को ढालकर एक बर्तन में ढालकर ऊपर रखा। खिचड़ी बन गई, चिड़ा राजा आकर खिचड़ी खा, आज चिड़िया रानी का मिलकर खिचड़ी खा। खिचड़ी बन गई, चिड़ राजा दाल चावल पानी लाया, चिड़िया रानी उसको पकाने के लिए खिचड़ी बनाने के लिए आग जरूरत है, इसलिए वो लकड़ी लाई, वो आग से खिचड़ी बना गई। तब चिड़िया रानी गुलाब देकर अपने राजा को, चिड़िया राजा को, चिड़िया राजा खिचड़ी बन गया, आज हाँ खाओ, आकर खाओ। तब चिड़िया राजा कहते हैं, चिड़िया रानी तुम भी आ मिलकर खाना है। देखो बच्चों, ऐसे ही मात्रा सिखाने के लिए एक सुंदर कविता भी यहाँ पर दिए हैं, इसे अच्छी तरह से आप पढ़कर समझ समझाना समझ समझना समझ जाना बच्चों। धन्यवाद।